हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करता हूँ। जो आपको फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सिटी के मार्च 2023 के पेपर में, आइए चलिए उसका शुरुआत करते। देखो ये जो चैप्टर है वो फ्लेक्सिबल बजट है। ओके, तो फ्लेक्सिबल बजट का मार्च में जो क्वेश्चन आया था उसमें देखो बोला क्या है, प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट ऑफ जय लिमिटेड एंड शोइंग द टोटल कॉस्ट 80% एंड 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, आपके पास 60% के लिए कितना है, 9000 यूनिट्स, मतलब एट प्रेजेंट आप 60% काम करके 9000 यूनिट बनाते हो, और ये आपके पास जो पूरा डेटा अवेलेबल है, ठीक है, ये पूरा डेटा 60% के हिसाब से अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो 60% के हिसाब से, मतलब समझो 60% के हिसाब से आप कितने यूनिट्स बना रहे हो, 9000 यूनिट्स बना रहे हो। मुझे जानना है 100% अगर मैं काम करता हूं तो 9000 डिवाइड बाय 60%। ओके, तो मुझे पता चलेगा कि मैं अगर 100% काम करूं तो 15000 यूनिट्स बना सकता हूं। और क्वेश्चन में बोला है कि आप कितने परसेंट लेवल पे बनाओगे काम। देखो एक 100% लेवल बोला, एक 80% लेवल बोला। तो 80% लेवल मतलब अगर 80% काम करता हूं तो कितना प्रोडक्शन होगा, तो 15000 प्रोडक्शन हो रहा है आपका कितना, 100% पे, तो 80% पे कितना हो जाएगा, तो 15000 का 80% कर दो फिर आ जाएगा 12000। सिंपल, देखो एक सीधी सीधी बात है, मैंने आपको बेसिक में ही सिखाया था कि आपको जो दे रखा है परसेंटेज, वो जो प्रोडक्शन लेवल है उसका 9000 यूनिट्स आप बना रहे हो, तो आपको जो लेवल दे रखा है उससे डिवाइड करोगे ना तो आपको हमेशा 100% प्रोडक्शन लेवल मिल जाता है, कि 100% कैपेसिटी पे जितना भी काम होता है वो कितना हो रहा है, 15000 यूनिट। ओके, तो ये तो काम आपका फिनिश हो गया। नाउ आपके पास दो लेवल तो होने चाहिए थे, वो हो गए। एक तो आप यहां पर लिख दोगे, पहले तो फ्लेक्सिबल बजट एक आपको बनाना है 15000 यूनिट्स के लिए और एक 12000 यूनिट्स के लिए, रुपीस, और यहां पर आएगा पर यूनिट रुपीस। अब देखो करंटली आपके पास जो लेवल है ना वो 9000 यूनिट्स के लिए है, तो अगर आप चाहो तो 9000 यूनिट्स के लिए पहले सारी कैलकुलेशन करके देख सकते हो। आपको देखो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ बना के जाना है आपको 80% और 100% पे, ठीक है, तो आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है 9000 यूनिट्स का वो डेटा, उसको वापस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसको सिर्फ कैलकुलेशन में यूज करना। हाँ, अगर चाहते हो आप उसका भी एक डेटा मतलब बनाते हो उसका भी फॉर्मेट तो बना सकते हो। देखो जैसे आपके पास यहां पर डायरेक्ट मटेरियल है, तो डायरेक्ट जो है वो सब वेरिएबल कॉस्ट ही होता है, ठीक है, मतलब ये सब वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर तो सीधा सीधा लिखा है फैक्ट्री वेरिएबल, यहां पर तो सीधा लिखा है फिक्स, तो एक काम करूंगा मैं इसको 9000 से मल्टीप्लाई करके फिक्स वेरिएबल मतलब फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूं कि 30 रुपए के हिसाब से 9000 यूनिट बनाने का जो मेरा खर्चा होगा वो 270,000 होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में जो अभी दे रखा है ना वो 9000 यूनिट का ही दे रखा है पूरा डेटा। ये भी अगर 9000 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा 90,000, क्योंकि ये भी फिक्स है। देखो यहां पर वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, दोनों मिक्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 20 रुपीज है ना उसमें 85% करके उसको वेरिएबल अलग कर दूंगा और फिक्स इसका अलग कर दूंगा। जैसे वेरिएबल 85% है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो 85% है, मतलब 20 का 85% करो तो 17 रुपये हो जाएगा, और जो फिक्स कॉस्ट है ना फिक्स कॉस्ट वो कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। ये बात समझे बात को, मतलब इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 17 रुपये, और फिक्स कितना हो गया, 3 रुपये हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, 9000 को 3 से मल्टीप्लाई करके 27000 बना दूंगा, ठीक है, 9000 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको 27000 बना दूंगा।
ठीक है, क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल हमेशा जो भी रहता है उसी हिसाब से वर्क करता है, और यहां पर 90% वेरिएबल है, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा, देखो 13 का 90% करोगे ना तो 11.7 आ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट की बात करोगे तो 1.3 आ जाएगा, और इसी 13 का अगर मैं 1.6, मतलब देखो 11.7 जो है वो तो वेरिएबल हो गया और 1.3 जो है वो फिक्स हो गया, और फिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं 9000 से, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 11700 हो गया। बस क्वेश्चन में जो बोला है उस हिसाब से करो ना। पहले तो पहले मैंने कुछ नहीं किया, देखो पहले जितना भी फिक्स कॉस्ट था उसको सेपरेटली अलग कर दिया, देखो ये फिक्स था, ये भी फिक्स था, ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स हो गया, और ये तो टोटल कॉस्ट है ना, और ये प्रॉफिट ऐड किया तो मेरे को सेलिंग प्राइस मिल गया, खत्म। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि डायरेक्ट मटेरियल है ना वो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, देखो 2.5%, और 5% रिड्यूस होता है आप जब 100% लेवल पे काम करते हो, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल देखो यहाँ पर जब आप लिखते हो, डायरेक्ट मटेरियल जब भी आप लिखोगे तो कितना डायरेक्ट मटेरियल है, देखो आपके पास है 80 रुपीज, अब 80 रुपीज इज अ वेरिएबल, उसमें आप 2.5 और 5% कम कर दोगे, क्योंकि बोला है ना 2.5 80% पे कम होगा और 5% आपको 100% पे कम करना है, मतलब 80 रुपीज में 2.5% कम कर लो और 80 रुपीज में आप कितना परसेंट कम कर लो, 5%, ठीक है, और ऐसा करने से आपका यहाँ पर 78 रुपीज़ आ जाएगा और यहाँ पर आपका 76 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर देखो कितना है, यहाँ पर 40 रुपये, 40 रुपये है। अब 40 रुपये के हिसाब से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर रिड्यूस होता है 5%, और वो भी सिर्फ 100% लेवल पे ही रिड्यूस होता है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पर 40 ही रहेगा, बाकी 40 में 5% कम होगा एट 100% लेवल, तो 40 का 5% कम कर दो 100% लेवल पे, मतलब 38 यहाँ हो गया। चलिए अब एक लाइन है जिसमें बोला फिक्स सेल्स एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज होता है बाय 10% ओवर 70% ऑफ प्रोडक्शन लेवल, तो यहां पर ये जो प्रोडक्शन लेवल है ना वो 70% से ज्यादा का ही है, बिकॉज हम जो काम कर रहे हैं वो 80% और 100% पे काम कर रहे हैं, तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि 100% और 80% तो 70% से तो ज्यादा ही हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब जब हम 70% लेवल से ज्यादा काम करेंगे आपका फिक्स सेलिंग एक्सपेंस, मतलब फिक्स सेलिंग एक्सपेंसिस जो है वो 10% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, 10% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यहां पर आपके पास सेल्स एक्सपेंस दिख रहा है फिक्स वाला, देखो यहां पर दिखेगा ये रहा सेल्स एक्सपेंस में, ये जो फिक्स वाला पोर्शन है, ये फिक्स वाला पोर्शन है, ये जो है ना वो 10% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 27,000 जो है उसमें 10% बढ़ जाएगा, मतलब 29700 हो जाएगा, ठीक है, बस मतलब तीनों एडजस्टमेंट हमारे हो गए। अब हमें करना है यहाँ पर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सॉरी 12, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया 12 और ये भी 12 ही आएगा, फिर उसके बाद आपको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, देखो वेरिएबल ओवरहेड कितना है, वेरिएबल ओवरहेड है 25 और फिक्स आपको 270,000 लेना है, 270,000, वेरिएबल में 25 लेना है और फिक्स में 270,000 लेना है, ये मैंने आपको पहले से सिखाया है इस चैप्टर को, जब से पढ़ाया था मैंने तब से बताया था कि फिक्स कैसे सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में तो फिक्स ही है, मतलब सीधा 90,000 ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसमें तो सीधा 90,000 ही आ जाएगा बिकॉज ये सिर्फ फिक्स ही है। चलिए ये हो गया काम खत्म।
उसके बाद मेरे पास सेल्स एक्सपेंसेस है, जिसमें आपको पता है ना यहाँ पर 17 रुपये जो था वो वेरिएबल था, और जो फिक्स था ना वो बढ़ गया था यहाँ पर 29,700, है ना। मतलब यहाँ पर जो सेलिंग ओवरहेड है उसमें जो वेरिएबल, एक सेकेंड, पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स। तो वेरिएबल तो आपके पास 13 था, लेकिन जो फिक्स था ना, जो फिक्स था, सॉरी 13 नहीं 17 था, 17 था, 17 था, ठीक है 17 था, और जो फिक्स था ना वो हमने इंक्रीज किया था ना, कितना इंक्रीज किया था 29,700। तो यहाँ पर 29,700 और ये भी आ जाएगा 29,700, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसमें भी वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा और फिक्स ओवरहेड आ जाएगा। अब यहां पर भी देखो आपके पास जो वेरिएबल है वो 11.7 है और जो फिक्स है वो 11,700 है, ये आ जाएगा 11.7 और 11,700, ये 11,700 और ये 11.7, ये इनका काम हो गया, हो गया। देखो सिंपल सा काम है, कुछ भी नया नहीं करना है आपको, मैंने जितना भी बेसिक सिखाया है ना उसी हिसाब से आप पूरा क्वेश्चन को वर्क कर सकते हो। देखो हर क्वेश्चन आपको दिखने में नया लगेगा, चैप्टर की कॉन्सेप्ट के देखने जाओगे ना तो सेम लगेगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 2% डिक्रीज करेंगे 80% लेवल पे और 4% डिक्रीज करेंगे 100% पे। मतलब ये आपके पास सेलिंग प्राइस दिख रही है 250, उसको 2% कम कर दो और दूसरी बार आपको 4% कम करना है, ठीक है 100% पे, ठीक है। तो 250 रुपये की जो आप प्राइस पे बेच रहे थे, ओके 250 रुपये की प्राइस पे जो आप बेच रहे थे, एक सेकेंड में यहाँ पर 250 की प्राइस पे जो बेच रहे थे, तो उस 250 पे आप 2% कम कर दो, मतलब 5 रुपये कम हो जाएगा, और 5 रुपये कम होने जाएगा मतलब कितना होने वाला है 245। और दूसरी बार जो कम होगा, मतलब यहां पर आप ऐड करोगे प्रॉफिट और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस एंड सेल्स, ओके okay, और 250 में आप दूसरी बार 4% कम कर दोगे, मतलब 240 आ जाएगा, हो गया। इतना आपको रेडी करना है, पहले है ना ऐसे पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लो अगर पॉसिबल है इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो, और फिर उसके बाद सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 12,000 यूनिट है ऊपर आपके पास, उसको 78 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 9,36,000, फिर 40 से मल्टीप्लाई करो 4,80,000, 12 से मल्टीप्लाई करो 144,000, 25 से मल्टीप्लाई करो 3 लैक्स, फिर 17 से मल्टीप्लाई करो 2,04,000 और 11.7 से मल्टीप्लाई करो 14,400, हो गया। अब इसको टोटल कर लो, कितना आ रहा है 936,480, 144,000, 3,00,000, 270, फिर 90,000, 2,04,000, 29,700, 1,40,400 और 11,700, ये आ रहा है 26,05,800, मतलब 26,05,800। और 12,000 यूनिट्स को आप 245 पे बेचोगे तो 29,40,000 जो आया था उसमें इसका जो बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट, मतलब 3,34,200, हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई करो 15,000, यहाँ पर 15,000 यूनिट है, 15,000 को 76 से मल्टीप्लाई करो 11,40,000, 38 से मल्टीप्लाई करो 5,70,000, 12 से मल्टीप्लाई करो 1,80,000, 25 से मल्टीप्लाई करो 3,75,000, फिर यहाँ पर 17 ही आएगा तो 17 से मल्टीप्लाई करो 2,55,000 और 11.7 से मल्टीप्लाई करो 1,75,500, ओके
चले तो 11,40,000, 5,70,000, 1,80,000, 3,75,000, 2,70,000, 90,000, 255,000, 297,000 सॉरी 29,700 और 1,75,500 और 11,700, मतलब 30,96,900। और इधर आप 15,000 यूनिट को 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 लाख रुपीस का क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है। और माइनस करोगे तो 5,03,100 आपका फाइनली आंसर आता है, चेक कर लो, ठीक है। और यहाँ पर जो बाकी जगह रहती है वहाँ पर सिर्फ डिवाइड करना है आपको अपने यूनिट से, यूनिट से डिवाइड करना आता ही आपको 22.5 आ जाए। यूनिट्स होता है, यूनिट्स है तो यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट डेटा भी लिखना हो तो लिख दो। 90,000 को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5 और 29,700 को डिवाइड करेंगे तो 2.475, एक सेकेंड 297, ओके सही है। और 11,700 को 12,000 से डिवाइड करता हूँ तो 0.975 और अल्टीमेटली 26,05,800 को डिवाइड करता हूँ तो 217.15 और हम उसको माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है 27.85। और इसमें भी चलो बना ही लेते हैं, 2,70,000 को 15,000 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आ जाता है 18, फिर 90,000 को डिवाइड करो तो ये 6 आ जाएगा, फिर इधर 1.98 और ये आ जाता है 0.78 और फाइनली आपका जो आंसर है 206.46 है और इधर 33.54 है, हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।